नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 29 अप्रैल गुरुवार दोपहर 12 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित हो गए हैं। श्री गहलोत ने ट्वीट कर खुद यह जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कोविड टेस्ट करवाने पर आज मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मुझे किसी तरह के लक्षण नहीं है और मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैं आइसोलेशन में रहकर ही कार्य जारी रखूंगा। बता दें कि इससे पहले अशोक गहलोत की पत्नी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। राजस्थान में हुए विधानसभा उपचुनाव की मतगणना 2 मई को होगी। जानकारी के अनुसार सहाड़ा, राजसमंद, सुजानगढ़ सीट पर यह उपचुनाव हुए थे। तीनों जगह राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना होगी। हर मतगणना पर काउंटिंग के लिए 2-2 हाल लिए गए हैं, जिनमें एक हाल में आरओ और एक में एआरओ बैठेंगे। काउंटिंग के लिए एक हॉल में 7 टेबल लगेगी। पोस्टल बैलेट की गिनती अलग कक्ष में होगी। ईवीएम को भी 3 लेयर सुरक्षा में रखा गया है। कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मतगणना होगी। मतगणना स्थल को 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा। 30 अप्रैल काउंटिंग एजेंट मीडिया कर्मियों का आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। अलवर जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र से 2 किलोमीटर दूर प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि प्रेमी युगल ने मरुधर एक्सप्रेस के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। दोनों मृतकों की पहचान उनके पास से मिले मोबाइल फोन से हुई है। दोनों युवक युवती लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जीवन रक्षा के लिए संसाधन जुटाने में कोई कमी नहीं रखी जाए। पूरी ताकत प्रदेशवासियों का जीवन बचाने में लगा दें। हमारा हर प्रयास इस संकट को दूर करने के लिए हो। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, सिलेंडर, फ्लो मीटर, दवाओं सहित अन्य जरूरी संसाधन आयात करने की आवश्यकता है तो इसके लिए योजना बनाकर उसे त्वरित रूप से अंजाम दें। केंद्र सरकार स्थानीय स्रोतों व कंपनियों से भी लगातार संपर्क कर प्रदेश की जरूरत को जल्द पूरा करें। तीसरी व चौथी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए सभी अभी से पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। राज्य सरकार इसमें वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं आने देगी। जोधपुर हाईकोर्ट ने युवती को अवैध हिरासत में रखने को लेकर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निस्तारण किया। जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ में यह सुनवाई हुई। उदयपुर पुलिस ने युवती को कोर्ट में पेश किया। युवती ने कोर्ट में स्वेच्छा से माता पिता के साथ रहने की इच्छा जताते हुए युवक के साथ नहीं जाने की इच्छा जताई। हाईकोर्ट ने युवक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया। अलवर जिले के निमराना SDM योगेश सिंह देवल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेडिकल ऑक्सीजन के 116 सिलेंडरों को जब्त किया है। यह कार्रवाई जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया के निर्देश पर हुई। SDM ने औद्योगिक क्षेत्रों सहित ऑक्सीजन गैस एजेंसियों पर छापे की कार्रवाई की। जब्त किए गए सिलेंडर निमराना रिको कार्यालय के सभागार में रखे गए हैं। जयपुर जिले के चाकसू थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 में एक 19 वर्षीय युवती ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती का कुछ दिन पहले ही विवाह हुआ था। मृतका के भाई ने थाना में एक युवक मजीद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम से पहले कोविड रिपोर्ट करवाई तो वह पॉजिटिव आई है। पुलिस ने मामले की जाँच में जुट गई है। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने सामान्य अस्पताल के बाहर एक मरीज के परिजनों से एम्बुलेंस के निर्धारित किराए से अधिक रुपए वसूलने व ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोप में एम्बुलेंस चालक 25 वर्षीय गोविंद जांगीर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इससे ऑक्सीजन के 4 सिलेंडर बरामद किए हैं। इसमें से एक सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस भरी थी, 3 सिलेंडर खाली थे। थानाधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि एम्बुलेंस चालक ने ऑक्सीजन लगी एम्बुलेंस से मरीज को चिकानी स्थित लॉर्ड्स हॉस्पिटल से हरीश हॉस्पिटल तक छोड़ने के लिए 2500 रुपए मांगे, जबकि हॉस्पिटल पास ही था। नमस्कार, कोरोना संक्रमण हम सभी के लिए एक चुनौती है, जिसे हम एकजुट होकर हराना है। इसलिए मैं प्रेम नायक श्री गंगानगर से, आपका छोटा भाई, आप सभी से अपील करता हूं कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहने, सभी से सामाजिक दूरी बनाए और बार बार अपने हाथों को धोए, ताकि हम कोरोना को हरा सकें। धन्यवाद।
ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.